इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैंग कर विधानसभा चुनाव जिताने का दावा करने के आरोपी सचिन राठौर को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 9 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी सचिन 21 नवंबर से पुलिस रिमांड पर चल रहा था, उसे आज पुलिस ने जज गुरमीत कौर की अदालत में पेश किया, जहां से उसे 9 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जाहिर है कि सचिन राठौर ने हिमाचल विधानसभा चुनावों के दौरान कुछ प्रत्याशियों को मोबाइल फोन पर ऐसे मैसेज किए थे और कॉल भी किए थे। सचिन ने इन प्रत्याशियों को विश्वास दिलाया था कि वह ईवीएम में ऐसी प्रोग्रामिंग कर सकता है जिससे वोट उसी के हक में पड़ेंगे, जिसकी एवज में वह प्रत्येक प्रत्याशी से 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिसके बाद कुछ प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। प्रत्याशियों की चुनाव आयोग में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सचिन राठौर को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था। कितने लोगों को आपने फोन किए, क्या आप जानते हैं उसमें कोई बड़ा नाम भी है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, इस तरह का कोई नेता? कोई नहीं था, मैंने खाली 4 लोगों को मैंने फोन किए थे, लेकिन कुछ रिस्पांस वगैरह कुछ नहीं। एसएमएस की तो, बिकॉज दे आर सेइंग 133 लोगों को एसएमएस किए, 133 फोन्स पे आपने किए हैं, जिसमें ओवर 30 लोग हैं। एसएमएस खाली एसएमएस ही किए थे, डिमांडिंग 100 एसएमएस के आसपास, बस उतना ही। क्या डिमांड कर रहे थे आप उसमें एग्जैक्टली? उसके अंदर डिमांड ये नहीं, मैंने जो लिखा था मैं आपको वो बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। मैंने जो लिखा था कि मैंने हाय आई एम इलेक्शन कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनका नाम भी है, उसके बाद आई कैन इंक्रीमेंट योर वोट ऐसा लिखा था, उसके बाद इफ यू विल गिव मी द 1 CR आई कैन इंक्रीमेंट योर वोट अंडर बाय ईवीएम मशीन। मैंने खाली वो आश्वासन दिया था, बाकी कुछ नहीं होता है ऐसा। डू यू रिग्रेट आपको गलती पछतावा है? ये मिस्टेक ही समझो, मैं इसलिए गया था कि आप देख सकते हो मैं जहाँ पर रहता हूँ, जिस क्षेत्र में रहता हूँ, उस क्षेत्र का कुछ विकास नहीं होता है। आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो, वो क्षेत्र में जो गंदगी है, जो नाली है हमारी, नाली 6 महीने से नाली सफाई होती नहीं है, वहाँ पे मैं सतत जाने के बावजूद भी वहाँ पे कुछ नहीं होता है। हमारे वहाँ पे तो क्या इन चीजों करके कोई वो हुआ, जो विकास होना चाहिए वो होता नहीं है, इन चीजों से विकास हो जाएगा? फायदा नहीं है ये जो आपने किया, इससे क्या विकास हो जाएगा? हो सकता है। आपने कल भी ऐसी कोशिश? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ओनली फर्स्ट टाइम हुआ है। क्या इससे, ये सब करने से पहले, जैसे आपने नांदेड़ में भी पहले किया था, ये सब करने से पहले किसी राजनीतिक आदमी या किसी पॉलिटिकल? कुछ नहीं, ओनली एसएमएस ही किया है, नथिंग एल्स। ठीक है, हिरासत पे भेजा गया है, 21 तारीख को किया गया था, 21/11 को, हाँ, किनवट से गिरफ्तार किया था इसको, 21 को नहीं, 17 तारीख को ट्रांजिट डिमांड पे लाए थे इसको महाराष्ट्र से। तो अभी ये जो है 20 तारीख को, 21 को यहाँ पेश किया था कोर्ट में, तो आज यहाँ इसका पुलिस रिमांड 7 दिन का मिला था, तो आज तक का ही था। तो आज फिर जज साहब ने फाइल देख के सारा कुछ डिस्कस करके इसको 14 दिन के लिए, 9 तारीख तक, इसको 9-12 तक के लिए जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया है। इनिशियली सर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, क्या कुछ मिल पाया है, कितने लोगों को इसने फोन किए थे, क्या कितने पैसे की डिमांड करी? इसने 134 बार फोन किए थे, 134 फोनों पे, और कोई 30 से 35 के बीच एमएल लोगों को फोन किए थे, जिसमें सभी दोनों तीनों पार्टियों के हैं, जितने भी हैं सभी राजनीतिक दलों के एमएलए हैं जिनको इसने फोन किया। सर इसमें कोई बड़ा नाम है किसी बड़े मिनिस्टर का या कोई बड़ा नाम? तो मिनिस्टर क्या, वो तो एमएलए ही लिखे हैं ना उसमें, तो अच्छा, वो एमएलए लिखे हैं, उसकी अब कैफ वगैरह निकाल रहे हैं, जैसे जिन फोनों का, जो किसके नाम पे फोन हो सकता हो, किसी और के नाम हो, वो जिन जिन का है ना, तो वो लिस्ट इसने निकाली थी, नेट से ही निकाली थी, ये बताया पूछताछ पे बताया कि मैंने नेट से ही वो लिस्ट निकाली थी कि जो 2012 में इलेक्टेड हुए थे एमएलए, तो उनकी दो उसी से नेट से निकाल के उसी से ही एसएमएस करके सभी को रेफर करता रहा, एसएमएस एक एक करके। तो 1 करोड़ का वो उसने उसमें डिमांड की गई थी, 1 करोड़ की, 10 लाख की नहीं थी वो, पहले बीच में कोई बात आई थी, तो 1 करोड़ की इसने डिमांड की थी, जो अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में आया। तो इसने सभी कहा था भी इलेक्शन जीतने के लिए भी पुष्पेंद्र राजपूत साहब का नाम लेके इसने जो है फर्जी वो बन के उनके नाम पे एसएमएस किए थे।